सबको कॉमन बता दूंगा, और बाकी जो सेवेंथ सेकेंड और थर्ड है वो चाहिए तो नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर में हो जाएगा तेरा 7.2 और 3 फैक्टराइजेशन। और तो अभी पहले लेकिन देखो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले हाफ एन आवर में, और जिनका फंक्शन हो चुका है वो प्लीज थोड़ा डिस्कशन कम करना, वो कुछ और चाहिए तो अपना इंडिविजुअली कर सकते हो, और फंक्शन इनको है ना फटाफट चैप्टर नंबर 2 निकालो। नहीं है तुम लोग, सेमेस्टर हो गया तेरा। हाँ मिला सेकेंड चैप्टर 2.1। ए थोड़ा बातें प्लीज 2.1, उसमें को जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 1 में 4 सब क्वेश्चंस है, 3 एक्चुअली 1 में 3 सब क्वेश्चंस है और 2 में 4 सब क्वेश्चंस है बराबर। वो दोनों क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर द गिवन रिलेशंस आर फंक्शंस और नॉट। देखो किसी भी रिलेशन को, जैसे पहला वाला है ना उसमें ये सेट ए में क्या क्या एलिमेंट दिए होंगे, 2 1 0 1 और दूसरे सेट में क्या क्या दिया हुआ, -3 2 1 5 6 -1 और -1 भी है। टू किससे कनेक्टेड है, 1 0 -1 और -2। अब एक फंक्शन है या नहीं है चेक करने का दो कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, ये जो पहला वाला सेट है ना इसके सब एलिमेंट क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। तो क्या सब कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, 1 भी कनेक्टेड है, 0 भी, -1 भी और 2 भी, करेक्ट। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये जितने भी कनेक्शंस है ना ये यूनिक होना चाहिए, यूनिक मतलब इधर का एक एलिमेंट इधर के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 2 किससे कनेक्टेड है, -3 से, क्या 2 किसी और से कनेक्टेड है, 1 सिर्फ 1 से कनेक्टेड है, क्या 1 किसी और से कनेक्टेड है, 0 भी सिर्फ 2 से कनेक्टेड है, -1 भी सिर्फ, और -2 भी सिर्फ किससे कनेक्टेड है। तो ऑल दी कनेक्शंस आर यूनिक। ये यूनिक कब नहीं होता मालूम है, सपोज ये जो 2 है ना ये 2 यहाँ पे किसी और एलिमेंट मान लो 6 से भी कनेक्टेड होता, तो 2 -3 से भी कनेक्टेड है और यही 2, तो ये कनेक्शन यूनिक नहीं है। लेकिन अगर इसको हटा दूं मैं ये वाला, तो अभी क्या सारे कनेक्शंस यूनिक है, तो इसका मतलब बोथ दी कंडीशंस आर फुलफिल्ड। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी कनेक्टेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी एंड ऑल कनेक्शंस मस्ट बी यूनिक, तो बोथ दी कंडीशंस आर फुलफिल्ड, मतलब ये फंक्शन, और दो में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है ना तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो लिखने का क्या है यहाँ पे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसको सेट ए बोल दो पहले वाले को, और दूसरा वाला सेट भी है, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कनेक्टेड टू सम एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ऑल दी कनेक्शंस आर यूनिक, बराबर। तो देयरफॉर गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। अब सेकेंड वाले में देखो क्या सारे के सारे पहले वाले सेट के एलिमेंट्स कनेक्टेड है, पी क्यू आर एस कनेक्टेड है ना, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, आर जो है ना वो बी से भी कनेक्टेड है और आर डी से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, बट क्या सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो वो फंक्शन, तो वहां पे क्या लिख देने का, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर कनेक्टेड बट ऑल कनेक्शंस आर नॉट यूनिक, तो वो फंक्शन। और तीसरा वाला उसमें तो सब कनेक्टेड ही नहीं है ना,
कौन कनेक्टेड नहीं है उसने? माइनस टू का कोई कनेक्शन ही नहीं है बी के साथ, मतलब वो भी फंक्शन नहीं है। तो पहला वाला है, सेकंड और थर्ड। अब वैसे ही जो क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर टू में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया है। जैसा पहला वाला क्या है, पहला वाला क्या है सेट के, ऐसा ए उसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है और बी क्या क्या है, -1 0 1 2 3। और पहला जो ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन दिया हुआ है ना, क्या है वो 1 0 3 3 2 -1 4 1 2 2, ये है ना। अब इसमें कैसे चेक करने का, ये देखो जो ए के एलिमेंट्स है ना 1 2 3 4, ये किधर आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में आएंगे। कहाँ आएंगे? तो ये ए के सारे कनेक्टेड है या नहीं है ये चेक कर लो। क्या 1 भी आ गया एक्स में, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, बराबर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या मालूम है, 2 जो है ना वो -1 से भी कनेक्टेड है और 2, तो इसका मतलब ये यूनिक। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, बट ऑल कनेक्शंस आर नॉट यूनिक, मतलब ये फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया? अभी सेकंड, तो रूल क्या है, एक्स में रिपीट नहीं होना चाहिए वैल्यू, वाई में रिपीट हो नहीं हो उससे हमको कोई लेना देना, बट एक्स के एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे एक्स का एलिमेंट 2 यहाँ भी है और एक्स का एलिमेंट 2 यहाँ भी है, तो 2 रिपीट हो रहा है, मतलब ये फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया? सेकंड बोलो है क्या, सेकंड वाला क्योंकि 1 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है, 4 भी कनेक्टेड है, बट क्या कुछ रिपीट हुआ है उसमें? तो इसका मतलब बोथ दी कंडीशंस आर फुलफिल्ड, वो फंक्शन। थर्ड वाला क्यों कनेक्टेड नहीं है, सब कनेक्टेड, कौन कनेक्टेड नहीं है? 3 नहीं है ना। और फोर्थ वाला है क्योंकि सब कनेक्टेड है, 1 2 3 4। देखो y में रिपीट होगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वैसे वहां पे देखा है तो y में 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है ना, तो y का रिपीटेशन डजंट मैटर, x में रिपीट हो रहा है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है फंक्शन है या नहीं है। अभी देखो उसके जो एक्चुअल कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन है ना, मेरे साथ में ही लिखते जाओ, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एफ ऑफ एम दिया हुआ है ना, एफ ऑफ एम क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर माइनस 3m + 1, बराबर। और उसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को रहा है, एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो के लिए सिंपली m को किससे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा जीरो के साथ। तो राइट साइड में भी जहां जहां पे m दिख रहा है वहां पे क्या रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0² - 3 × 0 + तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1 आएगा, करेक्ट। सेकंड क्या फाइंड करने बोल रहा है, एफ ऑफ माइनस 3। तो एफ ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर फिर 3 × -3 + 1, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, +9, फिर -3 × -3 विल ऑल्सो भी +9 एंड +1, ये कितना हो जाएगा 19। फिर नेक्स्ट क्या फाइंड करने बोल रहा है, एफ ऑफ हाफ। तो एफ ऑफ हाफ क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर -3 × 1/2 + 1, तो ये होगा 1/4 - 3/2 + अब डिनोमिनेटर 4 सेम करके सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 6 + 4 / आता है ना, एलसीएम लेके सॉल्व करने, ऐड करने, तो ये कितना हो जाएगा, -1/4। एंड सिमिलरली फोर्थ वाले में क्या फाइंड करने बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एम की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स प्लस 1, तो ये आएगा एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर -3 × x + 1 + 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 -3x - 3 + 1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी बनता है देख लो, ठीक है। ऐसे एफ ऑफ एक्स भी फाइंड करो,
आगे पर ये लिख लिया सबने x स्क्वायर माइनस x और ये और फाइनली f ऑफ माइनस x क्या हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस x प्लस 1 मतलब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हो जाएगा इसको टू से करो ऊपर और नीचे में चाहिए 6 बाय 4 हो जाएगा और इसको 4 से करो इसमें 4 का क्या
अच्छा ये वन का क्रॉस हो तो इसको थ्री से करना, ये वन को भी फोर से करेंगे ना, एक ही साथ कर लो ना, ये भी कर सकते हैं, कितना आएगा वन माइनस सिक्स कितना होगा माइनस फाइव बाई फोर प्लस वन, अभी भी कर सकते हो, ये माइनस फाइव और प्लस फोर कितना हो जाएगा लिख लिया। नहीं नहीं सॉल्व नहीं करने का है, वो वही आंसर है। हाँ क्वेश्चन नंबर फोर में g ऑफ x इक्वल टू जीरो एक कंडीशन दी हुई है ना, ये हो गया सबका लिख के देखो। फोर्थ का जो सब क्वेश्चन नंबर वन है वो 5x माइनस 6 अपॉन 7 दिया है ना पहला g ऑफ x, और हमको कंडीशन क्या दिया है, g ऑफ x इज 0 करेक्ट, और g ऑफ x 0 है तो अरे एक मिनट आराम से, g ऑफ x क्या है पहला g ऑफ x क्या है 5x माइनस 6 अपॉन 7, क्या आप बुक किधर है तुम लोग की, 5x माइनस 6 अपॉन 7, और ये इसको भी हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, जीरो के साथ, यही है ना जीरो, तो ये 7 वहां जाके वैसे भी क्या हो जाएगा जीरो, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड में भी सेम कंडीशन है, g ऑफ x 0 है बट g ऑफ x की वैल्यू क्या दिया है सेकंड में, 18 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू, इसमें भी वो 7 राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा 0, तो 18 माइनस 2x स्क्वायर विल बी 0, सो 18 विल बी 2x स्क्वायर बराबर, और वो 2 से डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3, एंड फाइनली थर्ड वाले में भी g ऑफ x 0 दिया है, क्या है g ऑफ x थर्ड सब क्वेश्चन के लिए, 6x स्क्वायर, एक मिनट 6x स्क्वायर प्लस x, अब ये देखो एक क्वाड्रेटिक बन गया ना, 6 2 जा 12 आता है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे सॉल्व करना है, तो जो मिडिल टर्म है उसको 4 3 जा 12 करके भी स्प्लिट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, पहले दोनों में 2x कॉमन लोगे तो 3x प्लस 2 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 2, I hope all of you know how to solve quadratic equation, ठीक है? तो इसके दो factors क्या बनेंगे? 3x plus 2 और 2x minus, तो x की एक value आ जाएगी minus 2 by 3 और x की एक value आ जाएगी 1 by 2,
इजी था खाली, जी ऑफ एक्स को किससे कंपेयर करना था, जीरो के साथ। अच्छा इसके साथ साथ फिफ्थ वाला भी देख लो और एक साथ लिख लेना। फिफ्थ में क्या कंडीशन दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये बोला है ना क्वेश्चन में। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों दिया भी है। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एक्स इज टू फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स कितना है। अब ये एक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो 11x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 11x स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये x रेस टू 4 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 11x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, और इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो। और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि या तो एक्स स्क्वायर जीरो है या एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो। देखो यहां लिखता हूं मैं इसको इस साइड पे, इसका मतलब क्या हुआ, या तो एक्स स्क्वायर जीरो है और या एक्स स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू जीरो है, बराबर। तो जीरो से तो जीरो ही बनने वाली है एक्स की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9 और x विल बी प्लस और, तो तीन पॉसिबल आंसर्स क्या है, 0 प्लस 3 और माइनस 3, ठीक है ना। देखो ये इसका स्विच ऑन करना, मास्क क्यों है, वायरस पर पूरा कंप्लीट हो गया है, बाकी है नहीं, मैथ्स का सही गया पेपर हो गया। अच्छा पेपर भी नहीं हुआ है।
इन लोग का ए हुआ है, लिख लिया सबने। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों एग्जैक्टली सेम है। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यूज दी हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में एफ ऑफ एक्स की कितनी वैल्यूज दी हुई है? दो। पहली वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स की? एक्स स्क्वायर प्लस 3। और वह लिखिए एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और दूसरा है 5x प्लस। पहले वाले में क्या कंडीशन दिया है? x इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 2 और सेकेंड वाले में x इज वो ग्रेटर है ग्रेटर है इधर ग्रेटर देन 2 है ना, बराबर यही है। अब पहला उसमें क्या फाइंड करने बोल रहा है? f ऑफ 3। देखो f ऑफ 3 फाइंड करने के लिए जो 3 है ना 3 वो इन दोनों में से कौन से इंटरवल को बिलोंग करेगा? सेकेंड वाले में। डेफिनेटली 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है ना, तो इसका मतलब f ऑफ 3 फाइंड करने के लिए ये जो दो ऑप्शन है हमारे पास इसमें से हम कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? कोई भी नहीं, ये दूसरा वाला, क्योंकि यहीं पे ये जो 3 है वो बराबर फिट होएगा बराबर। तो f ऑफ 3 फाइंड करने के लिए क्या लिखने का मालूम है? टू फाइंड f ऑफ 3, 3 किसको बिलोंग कर रहा है? x ग्रेटर देन 2 को बराबर। 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है x ग्रेटर देन 2 वाले इंटरवल को। तो f ऑफ x में भी हम कौन सा वाला f ऑफ x कंसीडर करेंगे? वो सेकेंड वाला जहां पे x जो है वो मोर देन 2 है बराबर। और इसमें x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे? 3। तो राइट साइड में भी x की जगह पे क्या आ जाएगा? 3। तो ये टोटल 15 प्लस 7 से आंसर कितना आ जाएगा? 20 बराबर। सेकेंड सब क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोल रहा है? f ऑफ 2। तो 2 मतलब एक्जेक्टली ये इधर पे बिलोंग करेगा ना, तो उसके लिए ये पहले वाले में x की जगह पे 2 रख दोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7। थर्ड थर्ड सब क्वेश्चन में क्या पूछा है? जीरो। जीरो भी इसी इंटरवल को बिलोंग करेगा ना, तो यहीं पे x की जगह पे जीरो रखोगे तो f ऑफ 0 मिल जाएगा। और लास्ट में क्या फाइंड करना है? अच्छा तीन ही था, और उसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 7 में वैसे ही है ना, 3 अलग अलग f ऑफ x दिए हुए हैं और 4 अलग अलग वैल्यू पूछ रहा है। खाली देखने का कौन सी वैल्यू किधर किस इंटरवल में फिट होती है, उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर। चलो करो फटाफट 6 और 7। उसके बाद सिर्फ दो ही क्वेश्चन बचे हैं ना, 8 और 9। हाँ हाँ उसके बाद घर पे। यस हाँ हाँ Thank you.
चालू है क्या? लोग ने बोला वो भी बंद है, रहने दो वहां पे। अभी वहां पे वो बराबर है ना, हवा आ रही है ना, बराबर ना। सेवेंथ के फर्स्ट वाले में एफ ऑफ माइनस फोर, हाँ लेस देन माइनस थ्री, पहला वाला नहीं, पहला वाले जो सेवेंथ के ए के लिए पहला वाला, बी के लिए भी पहला वाला, सी के लिए दूसरा वाला और डी के लिए थर्ड। वन वन टू थ्री फोर नहीं है, वो माइनस फोर है, माइनस फोर। तो माइनस फोर माइनस में उल्टा होता है ना, बराबर ना। Done guys, done. सेवन तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, ट्राई मतलब क्या, सॉल्व भी कर लेना, कुछ उसमें खास करना नहीं है। सिक्स हो गया ना, सेवन के लिए जगह छोड़ो, पहले एट और नाइन देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन नंबर नाइन है, पर उससे पहले बीच में क्वेश्चन नंबर एट भी है ना। सुना ये थोड़ा सा इसको बंद कर, क्वेश्चन नंबर एट में दो फंक्शन दिए हुए है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 3x plus 5, और g of x क्या दिया हुआ है, 6x minus 1, और सब क्वेश्चन नंबर 1 में f plus g of x ये फाइंड करना है ना। देखो f plus g of x का सिंपली मीनिंग क्या होता है, f of x plus g of x, that's it, f of x plus g of x, कर दो दोनों को ऐड, दोनों दिया ना f of x भी और g of x भी, तो f of x कितना दिया हुआ है, 3x plus 5 and plus g of x क्या दिया हुआ है, 6x minus 1। अब 3x plus 6x कितना हो जाएगा, 9x, और 5 minus 1 कितना हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 9x plus 4 हो गया, बराबर। f plus g of x का मतलब क्या होता है, f of x plus, उसी तरह सेकेंड में क्या फाइंड करने बोल रहा है, f minus g of 2, बराबर। तो इसका मतलब क्या होएगा, f माइनस जी ऑफ टू का
हाँ ये देखो नहीं x दिया ना, इसका मतलब f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो अभी इसका मतलब क्या होगा, f पहले क्या होगा, ये f ऑफ 2। हाँ मैम ने क्या बोला, क्या बोला, अरे तुम लोग का क्या डिस्कशन चालू था, क्या बोला मैम ने, कुछ नहीं। इसमें क्या आएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, एफ ऑफ टू माइनस, अब देखो एफ ऑफ टू मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, टू, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू टू प्लस फाइव बराबर, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, ये क्या आएगा थ्री इंटू टू प्लस फाइव, और माइनस जी ऑफ टू के लिए भी वही करेंगे सिक्स इंटू टू माइनस वन, तो ये थ्री टू जै सिक्स प्लस फाइव कितना हो जाएगा इलेवन, और सिक्स टू जै ट्वेल्व माइनस इलेवन वन इलेवन होगा, और इलेवन माइनस इलेवन जीरो। एंड उसी तरह थर्ड सब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एफ डॉट जी ऑफ थ्री, और डॉट का मतलब प्रोडक्ट, डॉट मतलब, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ थ्री मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री के लिए एक्स की जगह पे थ्री रख दोगे तो थ्री इंटू थ्री प्लस फाइव एंड मल्टीप्लाइड बाय सिक्स इंटू थ्री माइनस, तो ये नाइन प्लस फाइव हो जाएगा फोर्टीन, और सिक्स थ्री से एटीन माइनस वन कितना हो जाएगा सेवनटीन, मल्टीप्लाई करोगे आंसर मिल जाएगा। और लास्ट उसमें क्या फाइंड करने को रहा है, एफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, है ना, तो एफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स मतलब थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स एक्स माइनस। अब देखो डिवीजन में इतना ही है, इसके आगे हम और इसको सिंप्लीफाई, पर उसमें एक एक्स्ट्रा क्या पूछा है, डोमेन, क्या फाइंड करने बोला है, domain. देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज जो अगर मैं यहां पे रखू ना, तो वो रखने पे मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, कुछ ना कुछ आंसर मिले। जैसे ये दिख रहा है तुम लोग को एफ ऑफ एक्स, इसमें मैं एक्स की जगह पे कुछ भी रखूंगा ना, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही ना। जैसे अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो रखता हूं, तो ये थ्री इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस फाइव। वैसे एक्स की जगह पे कुछ माइनस रखूंगा नेगेटिव वैल्यू, तो भी कुछ आंसर आएगा, पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो भी कुछ आंसर आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू रखूंगा कुछ ना कुछ मिलेगा ही ना आंसर। क्या एक्स की ऐसी कोई वैल्यू है जो अगर मैं यहाँ पे रखूं और मेरे को एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ ना मिले, कब ऐसा होता है मालूम है, किसी भी फंक्शन में जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जब जीरो होता है ना, तो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। देखो जैसे यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तो एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, एनीथिंग अपॉन जीरो होता है नॉट डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, मतलब हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही है, नॉट डिफाइंड मतलब वी आर नॉट एबल टू फाइंड दैट वैल्यू बराबर। तो रूल क्या है, डोमेन मतलब एक्स की वो वैल्यूज जिनको अगर मैं फंक्शन में रखूं तो कुछ ना कुछ मेरे को आंसर मिलना चाहिए, लेकिन मैं वो वैल्यू नहीं रख सकता जिसके रखने से ये फंक्शन क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड फंक्शन कब होता है, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए। तो डोमेन फाइंड करने का एक ट्रिक क्या है मालूम है, डोमेन के लिए कंडीशन इज डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू, अभी अपने केस में डिनोमिनेटर क्या है, तो 6x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब 6x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। जैसे नॉर्मल हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैसे ये नॉट इक्वेशन नॉट इक्वल टू को सॉल्व कर रहे हैं, और x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब x की जगह पे मैं 1 बाय 6 नहीं रख सकता हमारे फंक्शन में, क्योंकि जैसे ही मैं x की जगह पे 1 बाय 6 रखूंगा ना यहाँ पे, तो देखो 6 इंटू 1 बाय 6 कितना हो जाएगा, 6 into 1 by 6 में 6 कटोगे 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा, जब x की वैल्यू होगी 1 by 0, जब x की वैल्यू क्या होगी 1 by 0, तो इसका मतलब 1 by 6 हम नहीं ले सकते, बट 1 by 6 को छोड़ के हम कुछ भी रखेंगे ना, तो कुछ ना कुछ आंसर हमको
आएगा। और कुछ भी का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। कुछ भी का मतलब क्या? तो आई कैन पुट एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट 1/6। तो अपना फाइनल डोमेन का आंसर क्या हो जाएगा मालूम है? डोमेन विल बी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, बट उसमें क्या नहीं आना चाहिए? तो रियल में से मैं माइनस कर रहा हूं किसको? 1/6। अच्छा अभी तुम लोग शॉर्टकट में बताओ, अगर एफ ऑफ एक्स ऐसा होता 3x + 2/5, क्या एक्स को मैं कुछ भी रखूंगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा उसमें? क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट कभी भी जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम लोग कोई भी रियल नंबर रखोगे ना तो ये फंक्शन कभी भी नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर ये ऐसा होता x + 5 होता तो कब होता वो नॉट डिफाइंड? जब मैं x की जगह पे -5 रखता, क्योंकि -5 और +5 से ये क्या हो जाएगा? और -5 को छोड़ के बाकी कुछ भी रखोगे ना तो यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। तो रूल क्या है? डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन नंबर 8। तुम लोग में मॉर्निंग कॉलेज कितने लोगों का मॉर्निंग? बस दो ही लोग का मॉर्निंग कॉलेज। कौन सा? तो ये हाँ, बाकी सबका इवनिंग मतलब आफ्टरनून है। तो तुम लोग कोई एक आध दिन, तुम लोग नहीं, ये मॉर्निंग वाला बोल, तुम लोग तो वैसे भी फोकट ही रहते हो हम सुबह में ना। तेरा तो लेकिन नेक्स्ट वीक में एग्जाम है ना? वही नेक्स्ट वीक में। कब तक है एग्जाम? वेंसडे के बाद तू एक आध दिन कर सकता है छुट्टी, और कर सकते हो 12, मतलब वही वेंसडे को खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद कोई एक दिन अगर मॉर्निंग रखेंगे चलेगा ना? अच्छा 16 तक एग्जाम है। 16 मतलब सैटरडे गया पूरा, बट 16 को कौन सा पेपर रहेगा? 15th या 16th? इंग्लिश, इंग्लिश है ना, हिंदी। चलो नेक्स्ट ये लिख लिया सबने, लिख लिया लिख लिया। अब फाइनली लास्ट क्वेश्चन, हाँ डोमेन के लिए सिर्फ क्या कंडीशन है? डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा ये पहले और दूसरे और तीसरे में, हाँ सब में, मतलब किसमें? हाँ तो सब में ऐसा करना ही पड़ेगा। और जिधर पे डिनोमिनेटर में एक्स वेरिएबल नहीं है ना, तो वहां पे फिर ये सब नहीं लिखने, वहां डायरेक्ट क्या लिख देने का? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल मतलब एक्स नहीं है, तो उसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर, क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर कभी जीरो हो ही नहीं सकता ना फिर। तो जहां वेरिएबल आया ना डिनोमिनेटर, वहीं पे चेक करके, जैसे इसमें देखो, इसमें डिनोमिनेटर है, तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन, इसका डोमेन ऑल रियल। बट इधर क्यों प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि डिनोमिनेटर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, समझ गया? माइनस मतलब ये नहीं चाहिए ना मेरे को, 1/6 नहीं रखना है ना। तो रियल नंबर सही है, लेकिन कौन सा उसमें से नहीं चाहिए? व्हाट आर ए लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको फंक्शन चैप्टर आने वाला है ना। तो देखो 9th क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना। 9th वाले में दो फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स और
जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस, और जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 2। इसमें सबसे पहले हमको क्या फाइंड करने पड़ रहा है, एफ ओ जी है ना, यही है ना, वो ओ है बीच में, हाँ वो डॉट नहीं है, वो डॉट होता तो जैसा हमने मल्टीप्लाई किया था ना दो फंक्शंस को, वैसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना था, बट वो क्या है, एफ ओ जी। ये एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, समझ गया, एफ ऑफ, उसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी। अब देखो हमारे पास ओरिजिनली सिर्फ एफ ऑफ एक्स है, क्या है, बट यहां हमको क्या चाहिए, एफ ऑफ जी एक्स चाहिए, एफ ऑफ। तो अगर मैं ये जो अपना मेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसमें एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिख दू तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना। लेकिन अगर यहां पे मैं एक्स की जगह पे जी एक्स रखूंगा तो राइट साइड में भी मेरे को क्या रखना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स, समझ रहे हो करना क्या है। तो देखो ये एफ ऑफ जी एक्स है ना, एफ ऑफ जी एक्स का सिंपल मतलब क्या है, जो भी एफ ऑफ एक्स है ना उसमें एक्स की जगह पे क्या रख दो, जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या रख दो, एफ ऑफ जी एक्स में मेन फंक्शन कौन है, एफ ना, बाहर कौन सा है, तो ये जो मेन फंक्शन है उसमें जहां भी एक्स दिख रहा है ना एक्स की जगह पे क्या रख देने का, नहीं पहले जी ऑफ एक्स रखो तो वो क्या होगा, टू इंटू एक्स स्क्वायर है ना, बट एक्स की जगह पे क्या आएगा, रुको एक्स की जगह पे क्या आएगा, जी ऑफ एक्स द होल स्क्वायर प्लस 3। इसको और थोड़ा क्लैरिटी के लिए देखो, सेकंड क्या फाइंड करना है, जी ओ एफ ना, जी ओ एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स बराबर। अब जी ऑफ एफ एक्स का मतलब जो अपना फंक्शन जी है ना जी, उसमें जहां भी एक्स दिखेगा ना एक्स की जगह पे क्या रख देना है हमको, एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 2, 5 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस। अगर और क्लैरिटी चाहिए तो देखो, अगर एफ ऑफ एफ चाहिए, एफ ओ एफ, एफ ओ एफ मतलब एफ ऑफ एफ एक्स ना, तो एफ ऑफ एक्स एफ एक्स मतलब जो हमारा फंक्शन एफ है उसमें एक्स की जगह पे क्या रखना है हमको, एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर और प्लस, और सिमिलरली तुम लोग जी ओ जी भी कर सकते हो ना, नहीं नहीं अभी इसमें क्या करना है, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू तो है ना हमारे पास, जी ऑफ एक्स क्या है, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 5x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, अब ये ओपन करोगे क्या आएगा, 25x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4 और प्लस 3, तो ये 50x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 8 प्लस 3, मतलब 50x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 11। वैसे यहाँ पे भी 5 इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2, मतलब 10x स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये 2 इंटू 4x इज टू 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 9। और जी ओ जी के लिए क्या करेंगे, जी ओ जी के लिए जो मेन फंक्शन जी है ना उसमें एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, जी ऑफ एक्स, और फिर जी ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन, ये क्या है लिखो बोलना, ए माइनस बी द होल स्क्वायर है, ए माइनस बी द क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद आ गया, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। हाँ मतलब किस में, एफ इंटू नहीं है वो, जी ऑफ एक्स है वो, हाँ हाँ
हाँ तो यहाँ पे वही क्या है, देखो अभी जी एक्स की जगह पे मैं 5x-2 रखूंगा ना, तो वो क्या हो गया एफ ऑफ 5x-2। तो एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ 5x-2 क्या हो जाएगा, जहां भी x दिख रहा है वहां पे क्या रखना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली वही हो रहा है। लेकिन ये थोड़ा क्या इजी तरीके से, मैं तो अंदर लिख के फिर समझ गया, वही है खाली तरीका अलग है।